बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से धमाकेदार फिल्म के साथ अपने फैंस के बीच आ रहे हैं। भारतीय पुलिस बल नामक कॉप ड्रामा का पहला टीजर आज सबके सामने आ गया है। फिल्म के इस टीजर को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। आलिया भट्ट की हाल ही में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाया था। इसने अब तक करीब 130 करोड़ रुपए कमाए हैं। थिएटर्स के बाद फैंस इसे OTT पर भी देखना चाह रहे थे और अब ये फिल्म आखिरकार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। फिल्म को आप 26 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। लॉकअप शो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लॉकअप के फिनाले को लेकर बोला जा रहा है। आपको बता दें कि ये शो जल्द ही खत्म हो सकता है। शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म डंकी का ऐलान कर दिया है। अब इस फिल्म में ऑफिशियली तौर पर तापसी पन्नू की भी एंट्री हो गई है। शाहरुख खान के साथ पहली बार स्क्रीन पर तापसी पन्नू भी नजर आएगी। आजकल सोशल मीडिया पर विमल पान मसाला को लेकर जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि इसके साथ बॉलीवुड के कई स्टार्स का नाम जुड़ गया है। इस एड में अजय देवगन, शाहरुख खान और अब अक्षय कुमार भी शामिल हो चुके हैं और इन स्टार्स की खूब जमकर आलोचना भी हुई है। जहां एक तरफ सभी बॉलीवुड स्टार्स इस तंबाकू ब्रांड का ऐड कर रहे हैं, तो वहीं पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन ने इस ऐड को और इसके लिए मिल रहे करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया है। इसी तरह के और भी बॉलीवुड अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।